Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भारतीय सेना में अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा न दिए जाने और सैन्य सम्मान के साथ विदाई नहीं देने को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहा है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस इस मामले पर बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं करती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि अमृतपाल प्रकरण से ये बात जाहिर होती है कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह के शव को सैन्य प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना इस बात को साबित करता है कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निवीरों को अस्थायी सैनिकों के बराबर सम्मान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये से अग्निवीरों में निराशा फैलेगी, जिसका सीधा सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। कांग्रेस ने भी उठाए अग्निवीर को लेकर सवाल। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब के शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह पिछले दिनों कश्मीर में शहीद हो गए थे, पर उनके मृत शरीर का सेना का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और शव भी प्राइवेट वाहन से पहुंचाया गया। उनके अंतिम संस्कार में भी सेना का प्रतिनिधित्व नहीं था। ये सारी बातें सेना में जाने के लिए सोच रहे युवाओं के मन पर क्या असर डालेगी? शाहनवाज आलम ने कहा कि अग्निवीर योजना के लागू किए जाते समय ही कांग्रेस पार्टी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मोदी सरकार उन अस्थायी और अस्थायी सैनिकों को एक बराबर का सम्मान नहीं देगी और अमृतपाल प्रकरण ने कांग्रेस की उस आशंकाओं को सही साबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना इस देश की सुरक्षा और देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक साबित हो रहा है। कांग्रेस आई तो अग्निवीरों को अस्थाने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर सरकार को ने युवाओं, पूर्व सैनिकों और रक्षा विशेषज्ञों के भारी विरोध के बावजूद लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अग्निवीरों को अस्थाई कर दिया जाएगा और उन्हें और उनके परिवार को भी सुविधाएं दी जाएगी और जो अस्थाई सैनिकों को दी जाती है। तो पहला अग्निवीर देश का शहीद हुआ है, लेकिन उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।